नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। के माध्यम से आपको बताऊंगी गीता में कही गई है ये 10 भयानक बातें जो कलयुग में सच हो रही है। नंबर 1, दोस्तों कलयुग में धर्म, स्वच्छता, सत्यवादिता, स्मृति, शारीरिक शक्ति, दया भाव और जीवन की अवधि दिन ब दिन घटती जाएगी। दोस्तों नंबर 2, कलयुग में वही व्यक्ति गुणी माना जाएगा जिसके पास ज़्यादा धन है। न्याय और कानून सिर्फ एक शक्ति के आधार पर होगा। नंबर 3, दोस्तों कलयुग में स्त्री पुरुष बिना विवाह के केवल रुचि के अनुसार ही रहेंगे। व्यापार की सफलता के लिए मनुष्य छल करेगा और ब्राह्मण सिर्फ नाम के होंगे। नंबर 4, दोस्तों घूसे देने वाले व्यक्ति ही न्याय पा सकेंगे और जो धन नहीं खर्च पाएगा उसे न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी होगी। स्वार्थी और चालाक लोगों को कलयुग में विद्वान माना गया है। नंबर 5, दोस्तों कलयुग में लोग कई तरह की चिंताओं में घिरे रहेंगे। लोगों को कई तरह की चिंताएं सताएंगी और मनुष्य की उम्र घटकर सिर्फ 70 से 80 साल की ही रह जाएगी। नंबर 6, दोस्तों लोग दूर के नदी, तालाबों और पहाड़ों के तीर्थ स्थान की तरह जाएंगे, लेकिन अपने ही माता पिता का अनादर करेंगे। सर पे बड़े बाल रखना खूबसूरती मानी जाएगी और लोग पेट भरने के लिए हर तरह के बुरे काम करेंगे। नंबर 7, दोस्तों कलयुग में बारिश नहीं पड़ेगी और हर जगह सूखा होगा। मौसम बहुत विचित्र अंदाज ले लेगा। कभी तो भीषण सर्दी होगी तो कभी असहनीय गर्मी, कभी आंधी तो कभी बाढ़ आएगी और इन्हीं परिस्थितियों से लोग परेशान रहेंगे। नंबर 8, दोस्तों कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा उसे लोग अपवित्र, बेकार और अधर्मी मानेंगे। विवाह के नाम पे सिर्फ समझौता होगा और लोग स्नान को ही शरीर का शुद्धिकरण समझेंगे। नंबर 9, दोस्तों लोग सिर्फ दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए धर्म कर्म के काम करेंगे। कलयुग में दिखावा बहुत होगा और पृथ्वी पे भ्रष्ट लोग भारी मात्रा में होंगे। लोग सत्ता या शक्ति हासिल करने के लिए किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। नंबर 10, दोस्तों पृथ्वी के लोग अत्यधिक कर और सूखे की वजह से घर छोड़कर पहाड़ों पर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कलयुग में ऐसा वक्त आएगा जब लोग पत्ते, मांस, फूल और जंगली शहद जैसी चीज़ें खाने को मजबूर होंगे। दोस्तों गीता में श्री कृष्ण द्वारा लिखी ये बातें इस कलयुग में सच होती दिखाई दे रही है। हिंदू धर्म कितना पुराना है, हमें गर्व है कि श्री कृष्ण जैसे अवतारों ने पृथ्वी पर आकर कलयुग की भविष्यवाणी इतने पहले ही कर दी थी, लेकिन फिर भी आज का मनुष्य अभी तक कोई सबक नहीं ले पाया। हमारे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।